नीट 2021 की काउंसलिंग के रिगार्डिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है उन सभी कैंडिडेट्स के लिए ऑल ओवर इंडिया के जो नीट की काउंसलिंग 2021 में पार्टिसिपेट करेंगे। रिजल्ट आने के बाद काउंसलिंग बहुत जल्दी स्टार्ट होगी। क्या हैं उनके पॉइंट्स जो जिसकी वजह से अभी तक काउंसलिंग होल्ड है, कब एक्सपेक्टेड है इसके बारे में, प्लस जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है आज के इस वीडियो में, स्टेट वाइज जो अथॉरिटीज़ हैं काउंसलिंग की उनकी ऑफिशियल वेबसाइट क्या है, सारे स्टेट्स की जितने भी स्टेट की काउंसलिंग है उन सभी स्टेट्स के बारे में डिटेल में बताएंगे आपको कौन सी ऑफिशियल वेबसाइट है जिसके थ्रू आपको स्टेट की काउंसलिंग में अप्लाई करना है, और ऑल इंडिया कोटा का क्या है, कब से स्टार्ट होगा, इन सब के बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। आप मीट कविंग के साथ बने रहिए। चैनल अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं, अभी तक आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि फ्यूचर के जो अपडेट्स हैं नीट 2021 की काउंसलिंग को लेकर वो आपको नॉन स्टॉप मिलते रहे। हेलो एंड ग्रैंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू अगेन ऑन योर फेवरेट नीट इन्फॉर्मेटिव चैनल मेडिका विंग। दिस इज अमित एंड यू आर वॉचिंग मेडिका विंग्स यूट्यूब चैनल। ऑल इंडिया कोटा की जो काउंसलिंग है वो स्टार्ट होगी एमसीसी के थ्रू और mcc.nic.in जो कि ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पर काउंसलिंग स्टार्ट होगी। काउंसलिंग इस साइट पर की जाएगी mcc.nic.in, राइट। ऑल इंडिया काउंसलिंग की अगर हम बात करें, डिले जरूर है, ओबीसी ईडब्ल्यूएस का रिजर्वेशन की वजह से डिले है। फिजिक्स के क्वेश्चन को लेकर केस किया गया था सुप्रीम कोर्ट में, इस केस को आज की डेट में यानी 30 नवंबर 2021 जो कि आज सुनवाई थी, आज की डेट में इस केस की जो केस था इस प्ली को डिसमिस कर दिया गया है, रिजेक्ट कर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट की ओर से। सो इस वजह से कहीं पर भी अगर आप सुन रहे थे कि 5 नंबर बढ़ने वाले हैं फिजिक्स के हिंदी का जो ट्रांसलेशन था उसकी वजह से, तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, राइट। अब बात करते हैं कि काउंसलिंग कब स्टार्ट होगी। एक्सपेक्टेड है विद इन वीक या फिर 10 डेज के अंदर जो ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग है वो स्टार्ट हो जाएगी। कई सारे स्टूडेंट्स के पास एक इन्फॉर्मेशन आई कि स्टेट का काउंसलिंग पहले हो जाएगा और उसके बाद कट ऑफ ऊपर चली जाएगी, उसके बाद ऑल इंडिया कोटा का स्टार्ट होगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, पैरेलल चलेंगी चीज़ें। हाँ, कुछ स्टेट में रजिस्ट्रेशन जरूर स्टार्ट हो गया है, लेकिन वो रजिस्ट्रेशन ही हुआ है, अभी तक उसमें काउंसलिंग का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट नहीं हुआ है। और होपफुली कि जो ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग होगी उसी के साथ ही बाकी के स्टेट की काउंसलिंग होगी। लेकिन आपको रिलाई किस पे करना है, आपको रिलाई करना है जो ऑफिशियल वेबसाइट है डिफरेंट काउंसलिंग अथॉरिटीज़ की, उन पर अगर कोई इन्फॉर्मेशन होती है उसको ही आपको रिलाई करना है। इसके अलावा किसी भी सुनी हुई बात पर या फिर देखी हुई चीज़ पर आपको यकीन नहीं करना है। तो कौन कौन सी वो वेबसाइट है जिसके थ्रू आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी स्टेट वाइज, वो हम आपके साथ डिस्कशन करेंगे, राइट। ऑल इंडिया कोटा के लिए है mcc.nic.in, लेकिन अगर हम इसी क्रम में अगर हम वेस्ट बंगाल की बात करें, देन वेस्ट बंगाल की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो है wbmcc.nic.in। ये स्टेट कोटा की वेबसाइट है वेस्ट बंगाल की। जब आप इसको ओपन करते हैं इस तरह की साइट ओपन आएगी, यहाँ पर यूजी मेडिकल डेंटल आयुष काउंसलिंग आपको क्लिक करना है और उसके बाद साइट यहाँ पे कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको 2021 की मिलेगी, अभी यहाँ पर अपडेटेड है 2020 का, राइट। केरला की जो काउंसलिंग अथॉरिटी है वो है cee.kerala.gov.in। अभी बैकग्राउंड में आप देख रहे हैं केरला की ऑफिशियल वेबसाइट का जो बैकग्राउंड है ऑफिशियल, इसमें आपको KEAM 2021 कैंडिडेट पोर्टल यहां पर क्लिक करना है और यहां से आपको डिफरेंट नोटिफिकेशन स्टेट के बारे में जो भी नोटिफिकेशन लेटेस्ट आता है वो आपको यहीं पर मिल जाएगा, राइट। ये केरला की बात होगी, लेकिन अगर हम दूसरे स्टेट की बात करें इसी उसमें, देन यूपी जो कि एक बड़ा स्टेट है, इस बार 9 मेडिकल कॉलेज यहाँ पर गवर्नमेंट के ओपन हुए हैं, एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज जो कि पनकी कानपुर में, उसको भी अप्रूवल मिला है। 9 के 9 जो नए मेडिकल कॉलेज हैं इनमें इसी ईयर से एडमिशन शुरू हो जाएगा। आप इस गलतफहमी में मत रहिएगा कि 700 सीट में होगा, 7 कॉलेजेस में होगा, 4 कॉलेजेस में होगा, ऐसा नहीं है। 9 के 9 में एडमिशन होगा, एनएमसी की ओर से अप्रूवल है। डिटेल वीडियो इसके बारे में ऑलरेडी अपलोडेड की जा चुकी है अपने इसी चैनल पर। ये यूपी की जो वेबसाइट है upneet.gov.in, अभी इस पर पीजी की काउंसलिंग का नोटिफिकेशन है, हो सकता है कि इसी वेबसाइट पर यूजी की काउंसलिंग को भी स्टार्ट किया जाए या फिर यूजी के लिए एक नया वेबसाइट भी लॉन्च किया जाए। लेकिन उसके लिए अगर आपको अपडेट देखना है देन आपको विजिट करना पड़ेगा updgme.in, राइट। updgme.in जो कि उत्तर प्रदेश डायरेक्टर जनरल ऑफ मेडिकल एजुकेशन की वेबसाइट है, और यहाँ पर dgmeup.in पर जब आप विजिट करेंगे तो यहाँ पर आपको जो भी डायरेक्टरेट की ओर से कोई भी अगर इन्फॉर्मेशन आती है तो फिर वो आपको यहीं पर मिल जाएगी, राइट। यहाँ पर आपको व्यू ऑल पे जाएंगे, नोटिफिकेशन यहाँ पे चल रहे हैं, नोटिफिकेशन को आप देख सकते हैं, यहाँ पर व्यू ऑल पे क्लिक करना है और नोटिफिकेशन पे आपको कोई भी नोटिफिकेशन आएगा तो वो आपको यहाँ पर पता चल जाएगा यूपी के बारे में, राइट। आगे बढ़ते हैं दूसरे स्टेट के, देन एमपी की अगर हम बात करें, dme.mponline.gov.in,
यहाँ पर आपको काउंसलिंग शेड्यूल, लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन और उसके बाद सीट चार्ट, अलॉटमेंट लिस्ट वगैरह सब कुछ यहीं पर मिल जाएगी। जैसे ही काउंसलिंग स्टार्ट होगा, कोई भी नोटिफिकेशन आएगा इसी वेबसाइट पर आएगा। आपको ज़रूरत है इन सभी वेबसाइट पर आपके अपने स्टेट के हिसाब से इसको चेक करते रहने की, राइट। बिहार की बात करेंगे, bcecebord.bihar.gov.in, यहाँ पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज होता है काउंसलिंग को लेकर। UGMSC का जो टैब है बिहार के इस वेबसाइट में, UGMSC पर आपको जाना है और सारी डिटेल्स आपको UGMSC 2021 का जो टैब है इस पर मिलेगा, राइट। जैसे ही काउंसलिंग का नोटिफिकेशन आएगा ये टैब एक्टिव हो जाएगा, अगर हम बिहार की बात करते हैं तो, राइट। अगर आगे बढ़ते हैं तमिलनाडु के लिए, tnmedicalselection.net, इस वेबसाइट पर आपको विजिट करना है। यहाँ पर लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मेडिकल काउंसलिंग को लेकर, PG प्लस जो UG की काउंसलिंग है वो आपको मिलेगी। इसके अलावा तेलंगाना की अगर हम बात करें, knruhs.telangana.gov.in, यहाँ पर आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन नीट काउंसलिंग को लेकर तेलंगाना स्टेट की मिलती रहेगी, राइट। इसके बाद हम आते हैं गुजरात में, गुजरात में जितने भी स्टेट के स्टूडेंट्स हैं वो सभी अप्लाई कर ही चुके हैं, ऑलरेडी इसका नोटिफिकेशन इशू हो चुका है। लास्ट डेट 28 थी जो अभी ओवर हो चुकी है, डेट को एक्सटेंड नहीं किया गया है, राइट। हालांकि काउंसलिंग का जो प्रोसेस है वो अभी नोटिफिकेशन आना बाकी है कि चॉइस फिलिंग वगैरह कब होगा और रिजल्ट इसका कब आएगा, करेक्ट। सो ये medadm.gujarat.org ये वेबसाइट है गुजरात की। और आगे बढ़ते हैं हम दूसरे साइट के लिए, देन कर्नाटका, cetonline.karnataka.gov.in, ये ऑफिशियल वेबसाइट है जहां पर कर्नाटका की स्टेट काउंसलिंग होगी और स्टेट काउंसलिंग से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन इसी वेबसाइट पर आती है। आपको यहां पर एडमिशन का जो सेक्शन है यहां पर जाना है और उसके बाद जब भी यहां पर नीट यूजी का टैब एक्टिवेट हो जाएगा मतलब कि नीट काउंसलिंग स्टार्ट हो चुकी है। रेगुलर आपको विजिट करते रहना है। अगर आपको स्टेट से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन किसी भी साइट की अगर आपको चाहिए देन, करेक्ट। बात करेंगे हम झारखंड की, झारखंड की jcecb.jharkhand.gov.in, राइट। और यहां पर काउंसलिंग का जो टैब है कंटिन्यू रीडिंग, इस टैब पर जैसे आप क्लिक करते हैं jcecb.jharkhand.gov.in, यहाँ पर लेटेस्ट नोटिफिकेशन काउंसलिंग को लेकर यहीं पर आएगा, राइट। पीजी का भी यहाँ पर आया है जो अभी इस वक्त काउंसलिंग वहाँ पर बीएड की चल रही है, बीटेक की चल रही है, पॉलिटेक्निक की चल रही है, उन सब की डिटेल्स यहीं पर अपलोडेड की गई है, राइट। सो नीट का भी इसी वेबसाइट पर आएगा झारखंड की अगर हम बात करें। इसके अलावा IPU जो दिल्ली का है, ipu.ac.in, राइट, ये वेबसाइट है IPU की। कोई भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन ये यहाँ पर आएगा। जो फॉर्म रिलीज होना है IPU का MBBS के लिए वो उसका भी नोटिफिकेशन इसी वेबसाइट पर आएगा, राइट। DU के लिए जो वेबसाइट है FMSC, ठीक है, जो फैकल्टी ऑफ मेडिकल साइंस न्यू दिल्ली का है, राइट, DU का, उस वेबसाइट पर DU में जो अलॉटमेंट होगा वहाँ पर रजिस्ट्रेशन सिर्फ उन लोगों को करना है जो दिल्ली से बिलोंग करते हैं और जिनको कि MCC के थ्रू अलॉटमेंट हो जाएगा। नोटिफिकेशन आ चुका है, राइट, और उसके बारे में एक डिटेल वीडियो बहुत जल्दी अपलोड कर दी जाएगी आपके इसी चैनल पे, राइट। आगे बढ़ते हैं उड़ीसा की, उड़ीसा की है आपका odisha.jee.com, यहाँ पर आपको विजिट करना है, राइट। और यहाँ पर आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन MBBS और BDS की काउंसलिंग को लेकर, रजिस्ट्रेशन को लेकर सारी चीज़ें आपको यहीं पर देखने को मिल जाएगी। जो भी प्रोसेस होगा वो भी इसी वेबसाइट से होगा उड़ीसा का। बात करेंगे अगर हम NTRUHS आंध्र प्रदेश की, देन NTURUHS.AP.NIC.in, ये वेबसाइट है। यहाँ पर एडमिशन का जो नोटिफिकेशन का सेक्शन है यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन मिल जाएंगे नीट काउंसलिंग का जब भी स्टार्ट होगा आंध्र प्रदेश का, राइट। होम पे विजिट करके भी आप जो होम का नोटिफिकेशन पेज है उसको विजिट कर सकते हैं। उड़ीसा की बात होगी, महाराष्ट्र की हम बात करें, info.mahacet.org/cap2021/neet_UG, ये वेबसाइट है। यहाँ पर लेटेस्ट नोटिफिकेशन ये रिलीज होता है महासीटी की वेबसाइट पर, info.mahacet.org महाराष्ट्र के लिए, राइट। उत्तराखंड की अगर हम बात करें, देन ऑफिशियल वेबसाइट है hnbumu.ac.in, उत्तराखंड की कोई भी इन्फॉर्मेशन होगी नीट काउंसलिंग को लेकर और जो काउंसलिंग का टोटल प्रोसेस होता है वो भी ऑनलाइन इसी वेबसाइट के थ्रू होगा, लिंक इसी पर एक्टिवेट होगा जो उत्तराखंड की है, राइट। इसके अलावा असम की बात करें, देन dme.assam.gov.in, ऑफिशियल वेबसाइट असम की जो नीट काउंसलिंग है उसको लेकर। पौंडुचेरी की स्टेट काउंसलिंग अथॉरिटी की ऑफिशियल वेबसाइट है centacpudiuchearry.in, cintacpuducherry.in/ugne2021, ये ऑफिशियल वेबसाइट है पौंडुचेरी की। और इसके अलावा अगर हम हरियाणा की बात करें, हरियाणा की ऑफिशियल वेबसाइट है dmer.haryana.gov.in, ये ऑफिशियल वेबसाइट हरियाणा के डायरेक्टरेट की, और यहीं से काउंसलिंग से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको इसी वेबसाइट पर मिलेंगी, राइट।
हिमाचल प्रदेश की ऑफिशियल वेबसाइट हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय की hpuniv.ac.in, यहाँ पर आपको जो काउंसलिंग से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है वो लेटेस्ट नोटिफिकेशन पर यहीं पर आपको मिल जाएगा हिमाचल प्रदेश की, अगर हम स्टेट की काउंसलिंग की बात करें राइट। और इसके अलावा अगर हम आगे बढ़ें किसी और स्टेट के त्रिपुरा के बारे में, देन dme.tripura.gov.in, ये त्रिपुरा की वेबसाइट का है, और चंडीगढ़ का gmcs.gov.in, ओके, mcc.nic.in, यूजी काउंसलिंग जो कि ऑल इंडिया काउंसलिंग के लिए ऑलरेडी आप लोगों के साथ हम डिस्कस कर चुके हैं। इसके अलावा jceceb.jharkhand.gov.in, vfuhs.ac.in, ये पंजाब के लिए है। जम्मू कश्मीर के लिए www.jkbopee.gov.in, और आंध्र प्रदेश के ऑलरेडी आप लोगों के साथ डिस्कशन किया जा चुका है ntruhs.ap.nic.in। राजस्थान की अगर हम बात करें, राजस्थान की जो ऑफिशियल वेबसाइट है काउंसलिंग जब स्टार्ट होगी तो काउंसलिंग यूजी काउंसलिंग की जो न्यू वेबसाइट है वो रिलीज कर दी जाएगी, लेकिन उसका नोटिफिकेशन आपको मिलेगा education.rajasthan.gov.in से, यहीं पर अपडेट होगी कोई भी काउंसलिंग से रिलेटेड नोटिफिकेशन आएगा तो। एडमिशन अगर हम MDMS की बात करें तो MDMS पर जब हम यहाँ पे क्लिक करते हैं देन यहाँ पर नीट पीजी काउंसलिंग का वेब लिंक दिया गया है, ये पीजी का है, लेकिन जगह अगर हम यूजी की बात करें अभी तक एक्टिवेट नहीं हुआ है, जैसे ही एक्टिवेट होगा मिटका विंग की ओर से वो अपडेट कर दिया जाएगा, एक वीडियो के तौर पे भी हम लोग जरूर बताएंगे कि किसी भी स्टेट की काउंसलिंग अगर स्टार्ट होती है तो। चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि फ्यूचर के जो अपडेट्स हैं वो लगातार आपको मिलते रहेंगे राइट। और इसके अलावा राजस्थान से जब हम आगे बढ़ते हैं कि किसी और स्टेट की, देन जो दूसरा स्टेट डायरेक्टरेट ऑफ हायर एजुकेशन हायर एंड टेक्निकल एजुकेशन जो कि अरुणाचल प्रदेश AP का है, इसकी जो वेबसाइट है ये है apdhte.nic.in। मणिपुर स्टेट की मणिपुर हेल्थ डायरेक्टरेट .mn.gov.in, यहाँ पर मणिपुर से रिलेटेड जो भी काउंसलिंग से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है वो आपको यहीं पर मिल जाएगी। लेटेस्ट नोटिफिकेशन मणिपुर के लिए आ गया है, एप्लीकेशन फॉर्म MBBS, BDS और BSLP को ओपन काउंसलिंग फॉर कैंडिडेट सेलेक्टेड इन नीट फॉर गवर्नमेंट नॉमिनेशन इन मेडिकल डेंटल कॉलेजेस इनसाइड आउटसाइड मणिपुर 2021 राइट। न्यू नोटिफिकेशन यहाँ पर आ चुका है, आज की डेट का है 30th November का राइट। लास्ट डेट ऑफ सबमिशन का जो एप्लीकेशन वो भी आ चुका है, इसके बारे में डिटेल वीडियो बहुत ही जल्दी एप्लीकेशन के बारे में वो अपलोड कर दी जाएगी मिटकविंग पर राइट। और इसके अलावा अगर हम बात करें दूसरे स्टेट की FMSC जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का है, जो स्टूडेंट दिल्ली से बिलोंग करते हैं उनको जब अलॉटमेंट MCC के थ्रू हो जाएगा DU के कॉलेजेस में, उसके बाद ही जो है रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन के लिए ओपन होगी जो विंडो है, वेबसाइट है fmsc.ac.in। ये कंप्लीट वेबसाइट की डिटेल्स थी डिफरेंट स्टेट की, जिनमें की काउंसलिंग स्टेट काउंसलिंग अथॉरिटीज की वेबसाइट थी जिनमें काउंसलिंग होती है राइट। स्टेट की काउंसलिंग इन्हीं वेबसाइट पर होती है, mcc.nic.in जो कि ऑफिशियल वेबसाइट है ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग की। जैसे ही स्टार्ट होगी नोटिफिकेशन जैसे ही आएगा उससे रिलेटेड कंप्लीट वीडियो मेडिकल विंग की ओर से अपलोड किया जाएगा यूजी मेडिकल काउंसलिंग को लेकर। अभी फिलहाल नोटिफिकेशन जो स्टार्ट होने का वो नहीं है, लेकिन हाँ बहुत ही जल्दी आने वाला है, एक्सपेक्टेड है विद इन वीक या फिर 10 डेज के अंदर MCC की काउंसलिंग का नोटिफिकेशन आ जाएगा। बने रहिए मेडिकल विंग के साथ, कोई भी क्वेश्चन होता है आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं या फिर नंबर जो शो हो रहा है स्क्रीन पर इस नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप जरूर कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग मेडिकल विंग, थैंक्स अ लॉट।